रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की। वहीं कोविड संक्रमण, लंपी वायरस से बचाव और महिला व बाल अपराधों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि पशुओं को लेकर सरकार एक्शन में दिख रही है, जिससे पशुओं को लंपी वायरस से बचाने को लेकर सीएम योगी ने वृहद टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। सीएम योगी ने आदेश में पशुओं के मेलों पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ कोविड संक्रमण को नियंत्रण में रखकर सतर्कता सावधानी जरूरी है। इसके लिए बाहर निकले तो फिर मास्क लगाएं। मुख्यमंत्री के आदेश में कहा गया है कि महिला और बाल अपराधों के मामलों में पैरवी को लेकर भी कई बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि एक भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए। इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से महिलाएं हो या फिर जो भी पशु हैं उनको लेकर सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है, जिस तरह से आज कई फैसले लिए गए हैं उनके बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर आज चर्चा की है, उसके लिए दिशा निर्देश दिए है। पहला मुख्य बिंदु यह रहा कि कोविड को नियंत्रण किया जाए और जो दर अब तक 1.2 आ रही थी वो लगभग 0.8 के लगभग पहुंच चुकी है। पॉजिटिव दर जो कम हो रही है, यानी कोविड नियंत्रण में। साथ ही साथ उनका कहना था कि जो बूस्टर जिसको अमृत डोज कहा जा रहा है उसको लगातार लगाना है, जिसके लिए उनके द्वारा बताया गया कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। अगर पिछले हफ्ते का आंकड़ा के बात करें, लगभग 19 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई है, जो कि बहुत अच्छी जो है यहाँ पर कामयाबी बताई गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कोविड नियंत्रण के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं किस तरह से बेहतर परिणाम सामने आए और कोविड पूरी तरह नियंत्रण में रहे। खासतौर से जो बूस्टर डोज का अभियान है जिसको अमृत डोज कहा जा रहा है, अमृत डोज को भी पूरी तरह से इसको प्रभावी बनाना है और इसके लिए अभियान भी चलाना है, जैसा मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम कोविड की बात करें तो यहाँ पर कोविड के जो मामले हैं वो लगभग प्रदेश की बात करें तो लगभग 1443 मामले अब तक हैं थे, उसमें लगभग 3000 से ऊपर मामले जो माफ़ी चाहता हूँ 4101 का मामले जो है वो घर पर इलाज कर रहे हैं। अगर आप बीते 24 घंटों की बात करें तो लगभग 588 मामले उसमें आए थे और जिसमें लगभग 388 लोग जो है उपचार के बाद घर जा चुके हैं। तो जो कोविड है वो लगभग उसकी जो दर है जो 1.2% थी वो 0.8 पर आ चुकी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने एक और बिंदु यहाँ पर लिया गया, बुरा बाल और महिला सुरक्षा को उनका कहा है कि DM और जो कप्तान है वो पूरी समीक्षा करें, बाल और महिला अपराध संबंधी जो भी मुकदमे हैं उनको बाकायदे से उनका सत्यापन करें, उनका जो है समीक्षा करें और जल्द से उनको निस्तारण करने का प्रयास करें। और तीसरा जो मुख्य बिंदु था जो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर निर्देश दिया गया कि जो लंपी वायरस है जो कि पशुधन को नुकसान पहुँचा रहा है और कई राज्यों में यहाँ इसके माध्यम से व्यापक पशु हानि हुई है, उसको देखते उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पर प्रभावी जो डोज लगानी चाहिए, यहाँ पर पशुओं की जो सुरक्षा के लिए यहाँ पर कदम उठाने पड़ेंगे। मच्छर और मक्खी के माध्यम से बीमारी होती है, इसके रोकथाम के लिए प्रयास किए जाए। खासकर उन्होंने ये भी कहा है कि पशु मेले न लगाएं और अंतर्राष्ट्रीय पशु परिवहन पर भी उन्होंने रोक लगा दी है। तो कुल मिला के 3 प्रमुख बिंदुओं पर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। लखनऊ के CBI स्पेशल कोर्ट में माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया है। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। उमर कई दिनों से फरार चल रहा था और उस पर रंगदारी मांगने का आरोप है। उसने देवरिया जिला बंद रहने के दौरान लखनऊ के व्यापारी से मारपीट की थी। अब उमर ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कस्टडी के दौरान उमर अहमद को 27 अगस्त को आरोप पत्र से संबंधित सुनवाई में पेश किया जाएगा। आज उमर एक केस में वांटेड था तो उसमें उसका सरेंडर कराया था। कोर्ट ने 27 की डेट लगाई है कॉपी सर्व करने के लिए। तो जितने भी एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ तैयार किए हैं उसकी कॉपी सर्व कराई है। क्या पुलिस द्वारा PCR और पुलिस कस्टडी रिमांड की भी बात करी गई है इसमें CBI द्वारा? पुलिस द्वारा क्या CBI ने पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी है इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी है। वैसे भी चार्जशीट फाइल हो गई है इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड का कोई मतलब नहीं है। आज उमर एक केस में वांटेड था। तो
अतीक अहमद के बेटे ने खुद सरेंडर कर दिया है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज थे। आपको बता दें कि 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। उमर कई दिनों से फरार चल रहा था और उस पर रंगदारी मांगने का भी आरोप था। उसने देवरिया जिला बंद रहने के दौरान लखनऊ के व्यापारी से मारपीट भी की थी। अब उमर ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कस्टडी के दौरान उमर अहमद को 27 अगस्त को आरोप पत्र से संबंधित सुनवाई में पेश किया जाएगा, यानी कि 27 अगस्त को सुनवाई होगी। आरोप पत्र के आधार पर कई मामलों में उसके नाम पर मामले दर्ज थे। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर, जिस तरह से कई मामले दर्ज थे उमर पर और अब जिस तरह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, इस आत्मसमर्पण को किस तरह देखा जाएगा? क्या इस आत्मसमर्पण का असर उसकी कार्रवाई पर पड़ेगा? उसकी जो सजा है वो कम होगी? में सीबीआई कोर्ट ने आज सरेंडर किया है उमर अहमद के। ये मामला तकरीबन मुताबिक दिसंबर 2018 का, और ये मामला है प्रॉपर्टी डीलर है उसके बाद ये मामले को मीडिया के दिखाने के बाद लगभग 6 महीने के बाद दर्ज होती है। उसके बाद लगातार सीबीआई इसके तलाश में लग जाती है। शुरुआती दौर में आपको बता दूं इसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन सबसे और जारी हुआ है उसके बाद 2 लाख का इनाम सीबीआई जिसका ऐलान किया था। सीबीआई कई दिनों से कई महीनों से सालों से उसके तलाश की, और आज आवश्यकता ये भी है की जो सीबीआई विशेष अदालत पहुंचा है उसके बाद पहुंचा है ताकि इससे कोई आईएसपीएल भूल पाए ना पकड़ पाए ना सीबीआई ना ही कोई स्टेशन ये वकील की देश में पहुंचा और उसने मौका पाकर भी सागर, अगर बात करी जाए अपराधों की तो किस किस तरह के अपराध में उमर का नाम लिप्त पाया जा रहा है, क्योंकि 2 लाख का इनाम तो इस पे घोषित था ही, यानी कि जिस तरह से फरार था इसके ऊपर कई गंभीर धाराएं लगी होंगी, लेकिन अगर हम बात करें अपराधों की तो कौन कौन से वो अपराध है? और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक सबसे बड़ा नाम अतीक जब अतीक अहमद है नाम तो सबसे बड़ी बात ये की वर्चस्व के कारण से अधिकारी ने सबसे पैसा कमाने का व्यापारियों को उसने अधिकारी सबसे बताया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखते 2018 में मोहित जायसवाल नाम के उठा के लेके इसके सामने साथ इसके पिता के सामने पेश करते हैं और पिता के सामने ही उसकी पिटाई होती है। काफी गंभीर मामला हो गया था। तो सबसे बड़ी बात पिता का करूँ था उससे रंगदारी में खूब काम कमाया खूब क्राइम किया और इसमें सबसे बड़ा अपराध इसका रंगदारी। जी बिल्कुल सागर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता सागर थापा जुड़े थे इस खबर पे। खबर बुलंदशहर से है जहां पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं राजघाट चौराहे पर कल्याण सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिजनों ने नरौरा बांसी घाट पर हवन पूजन किया। इस हवन में अलीगढ़ सांसद और विधायक बुलंदशहर विधानसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। बुलंदशहर में पूर्व सीएम की पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको बता दें कि परिजनों ने बांसी घाट पर हवन पूजन करते हुए पूर्व सीएम कल्याण सिंह को याद किया, उनकी पुण्यतिथि मनाई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी। आपको बता दें कि योगी सरकार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी एक भव्य प्रतिमा का बीते दिनों अनावरण किया था और अब परिजनों द्वारा बांसी घाट पर हवन पूजन कर श्रद्धांजलि अर्पित करी गई है, याद किया गया है पूर्व सीएम कल्याण सिंह को बुलंदशहर में।
आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजघाट चौराहे पर कल्याण सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जुटी और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के परिजनों ने नरौरा बासीघाट पर हवन पूजन किया। इस हवन में अलीगढ़ सांसद और विधायक, बुलंदशहर विधानसभा के सभी सांसद मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हवन पूजन किया, इसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हो और प्रतिमा भी आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के परिजनों ने बासीघाट पर हवन पूजन किया, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। आज याद किया गया पूर्व सीएम कल्याण सिंह को। आज परिवार द्वारा पुण्यतिथि के अवसर पर हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी चाहने वाले पहुंचे हैं। जितने भी लोग कल्याण सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, उनसे प्रेम करते रहे हैं, वो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं आप पूरा परिवार, साथ ही साथ उनके शुभचिंतक, परिवार के शुभचिंतक सभी मौजूद रहे। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। विशाल, जिस तरह से आज हवन पूजन का आयोजन किया गया है, याद किया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है पूर्व सीएम को, कौन कौन से लोग मौजूद रहे इस कार्यक्रम के दौरान? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के राजघाट चौराहे पर कल्याण सिंह की मूर्ति की गई थी और वहाँ पे सांसद राजवीर सिंह का परिवार पूरा रहा था और पूजा अर्चना के माध्यम से उनको अर्पित किया गया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़े थे। रुक करते अगली खबर की तरफ। औरैया के जनता इंटर कॉलेज अजीत मल के ग्राउंड परिसर में अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं स्पोर्ट्समैन सत्यपाल गुर्जर ने बताया कि अधिक से अधिक अग्निवीर सैनिक बनाना ही हमारे लिए उपलब्धि हो। आपको बता दें कि सत्यपाल गुर्जर ने कई बार रैली भर्ती में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन अनफिट होने की वजह से सैनिक नहीं बन सके। अब स्पोर्ट्समैन ने सैनिक बनाने का जिम्मा उठाया है। इसमें अग्निवीर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, युवाओं को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति के लिए और बढ़ के ये करें कि जो कि दंगा ना करें और लड़का अच्छे से तैयारी करें और देश की सेवा करें। जो कुछ दिन पहले अग्निवीर को लेकर विरोध किया जा रहा था, उसमें क्या है? उसमें यह है कि जब अग्निवीर का विरोध हो रहा था तो एक दो दिन समझ में नहीं आया था लड़कों के, युवाओं के, कि ये क्या है मुहिम। जब समझ में आया तो सभी लड़का अपने अपने तरीक़ा से युवा तैयारी करने लगे। जहाँ ये स्पोर्ट्समैन खुद सैनिक बनना चाहते थे, लेकिन अनफिट होने की वजह से सैनिक नहीं बन सके। अब स्पोर्ट्समैन ने सैनिक बनाने का जिम्मा लिया है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अग्निवीर बनाना ही हमारा लक्ष्य है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए और आइए से संवाददाता ऋषि तिवारी जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से इस अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का उत्साह देखने को मिला है, प्रशिक्षण अब दिया जा रहा है, बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, तो इनकी संख्या की बात करी जाए तो कितनी संख्या में जिले में प्रशिक्षण दिया जा रहा है अग्निवीरों को? एक से अधिक लोग इस मुहिम को प्रशिक्षण लेने के लिए उसमें पसीना बहा रहे हैं। जी। और स्पोर्ट्समैन सत्यपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक अग्निवीर बनाना ही हमारा लक्ष्य और उपलब्धि है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जो पोस्टमैन अग्निवीर को लेके उन्होंने कई सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे औरैया से हमारे साथ संवाददाता ऋषि तिवारी जुड़े थे।
चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ